ये अपना एनिमल एनिमल कैसी लगी मूवी? बहुत खतरनाक है। रणवीर की एंट्री कैसी थी? विलन की एंट्री तो फुल खतरनाक, और अपना जो रणवीर कपूर सर है उनकी तो बहुत खतरनाक एंट्री थी, वो बहुत ज़्यादा। और अभी तो एनिमल पार्क 2 भी आने वाला है, एनिमल पार्क विजिट सून। किसका नाम अच्छा लगा विजय? रणवीर कपूर। दोनों का बॉन्डिंग कैसा था? रश्मिका बहुत सही था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन भी बहुत खतरनाक। एक्शन? एक्शन सबसे ज़्यादा धमाल था। एक्शन कितना स्टार दे रहे हो मूवी को? 5 स्टार। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? एनिमल। कैसी लगी? ऑसम। रणवीर की एंट्री कैसी थी? एक नंबर। बॉन्डिंग कैसा था? किसका काम अच्छा लगा? मतलब मेरे को तो सबका ही काम अच्छा लगा। रणवीर कपूर का बहुत माइंड ब्लोइंग था, और बॉबी देओल की एंट्री थी पर उनको यूज़ नहीं किया उन्होंने प्रॉपर। बॉबी देओल को अनिल कपूर ऑसम। अनिल कपूर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक्चुअली। मैं मतलब अभी मैं कुछ मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मतलब लोगों से कहूँगा कि देखो आप पिक्चर, ऑसम है, माइंड ब्लोइंग। अनिल कपूर का अच्छा था। सॉन्ग्स मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे, बट एक पंजाबी सॉन्ग था और एक फादर वाला, वो ऑसम था। ऑसम एक नंबर में, वो भी बोल रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग मूवी। 5.5। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय रणवीर, ग्रेट मूवी, पावर ऑफ सिनेमा। थैंक यू। किसका काम अच्छा लगा? एवरीवन, रणवीर, रश्मिका, अनिल सर, बॉबी, एवरीवन वाज ग्रेट। आउट ऑफ माइंड, सोच नहीं सकते। पैसा वसूल तो पूरा सिनेमा है, 3 घंटा 21 मिनट पूरा पैसा वसूल सिनेमा। ग्रेट। थैंक यू। डायरेक्शन बहुत बढ़िया था संदीप रेड्डी वांगा का, जैसे हमने उन्हें 2 मूवीज देखे हमने उनके, और ये जो सबको ले और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो आप जब देखोगे, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। 4.5। या थैंक यू। एंट्री भी बहुत अच्छी थी, और फुल ऑफ एंटरटेनिंग मूवी है, और सबसे अच्छा इसका म्यूजिक, स्टोरी भी बहुत अच्छी, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। पैसा वसूल बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन बहुत बहुत लेंथी मूवी है, तो फिर भी बहुत कहीं भी बोर नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। किसका काम अच्छा लगा? रश्मिका, अनिल का? ऑब्वियसली रणवीर कपूर। 4.5। नाइस मूवी, वेरी नाइस मूवी। एनिमल कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी। काम अच्छा लगा? ऑब्वियसली रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर का एंट्री कैसा था? एंट्री वॉज ओके, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज जो टाइटल एनिमल था तो उसके हिसाब से मेरे को वायलेंस और वो देखना था। फर्स्ट हाफ वॉज गुड, क्योंकि उसमें वायलेंस दिखाया था। आई हैव सीन इन कोरियन स्टाइल, वो कॉरिडोर वाला वायलेंस, वो देख कर बहुत अच्छा लगा। यस हाफ है। आई विश कोई और एक्टर होती, बिकॉज रश्मिका कुडंट लाइक, उसका प्रेजेंस बहुत कम था स्क्रीन पे, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा। एक्शन वॉज सुपर्ब, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ में इट वॉज गुड, बट इट कुड हैव बीन बेटर इन सेकेंड हाफ, क्योंकि सेकेंड हाफ मेरे को काफ़ी स्लो लगा फर्स्ट हाफ से। टूवर्ड्स एंड जो ट्विस्ट था, प्लॉट्स थे, वो देखकर अच्छा लगा। 3 out of 5। थैंक यू। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? एनिमल। कैसी लगी एनिमल? एनिमल देख के तो हम लोग एनिमल बन गए, ऐसी मूवी है, तगड़ी मूवी एकदम, मतलब बहुत अच्छा है, एक्टिंग और एक्शन हर चीज़ बहुत अच्छा है। हीरो की एंट्री कैसी लगी आपको? हीरो की एंट्री तो है नॉर्मल, लेकिन हीरो ही एकदम हार्ड है। काफ़ी एक्शन है मूवी में। काफ़ी एक्शन है, इंगेज मूवी है, इंगेज करके रखेगी आपको, और अच्छा लगेगा, हर चीज़ आपको देखने अच्छा लगेगा। सस्पेंस हर सीन में ट्विस्ट एंड टर्न है, मतलब आप बोर ही नहीं होंगे कहीं, कंटिन्यू देखते रहेंगे। गाने वाने सब अच्छे हैं, और एक्शन भी अच्छा है,
और बॉबी देओल और रणवीर का जो फाइट है वो तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। काम बॉबी देओल का थोड़ा कम काम है लेकिन जितना भी है बहुत परफेक्ट है। रश्मिका मंदाना का भी काम कम है जो भी है अच्छा ही है, लेकिन पूरे मूवी को जो लीड करता है वो रणवीर कपूर है। उसके जैसा एक्टर पूरे बॉलीवुड में इस टाइम पे तो नहीं है, कहीं नहीं है। पूरे एक्शन को वो लीड करता है, ऐसे नहीं कि फालतू एक्शन वहाँ जाके मारो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शन जबरदस्त जबरदस्त है, इतना मतलब फाइटिंग दिखा रहा है तो उसका मायने है किस तरीके से लीड कर रहा है रणवीर कपूर वो है। मैं 5 में से 4 बहुत अच्छी मूवी है। थोड़ा लेंथ ज़्यादा है ना मूवी का तो एक दो जगह थोड़ा तो बोरिंग आएगा, लेकिन ओवरऑल मूवी जबरदस्त। थैंक यू सर। एनिमल कैसी लगी? ठीक, अच्छी फिल्म है। मुझे रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। रणबीर कपूर का एक्टिंग बहुत तगड़ी एक्टिंग है। एक्शन कैसा लगा? बहुत भयानक है यार, इट्स टू वायलेंस कंप्लीट द मूवी एक्चुअली। यू कांट लाइक यू कांट गेटिंग योर किड्स और वाइफ टुगेदर सी द मूवी एक्चुअली। एंट्री कैसी थी रणबीर कपूर? फाड़ू एक्टिंग है, फाड़ू एंट्री है। अच्छी फिल्म है लेकिन यू ऑलरेडी नो दैट ना, इट्स कॉल्ड एनिमल मूवी सो यू कांट गेटिंग एनी काइंड ऑफ लाइक वायलेंस मूवी है ना। सो बहुत अच्छी फिल्म है। यू आर लुकिंग ऑन द सेकंड पार्ट एक्चुअली, द रणबीर कपूर इज कमिंग फॉर सेकंड पार्ट। यू वन ऑफ द मूवी इज गोइंग टू एंड देन आफ्टर यू गोइंग लाइक एक और है उसका स्टेज। एक्चुअली आफ्टर आफ्टर रणबीर कपूर बॉबी देओल। अनिल कपूर तो बहुत मतलब लाइक यू ऑलरेडी नो दैट कि सन एंड फादर एंड सन का बॉन्डिंग है। सो अनिल कपूर इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द मूवी। सो बेसिकली यू आर लुकिंग इफ यू गोइंग टू गो सी द मूवी देन आफ्टर यू गोइंग टू लुक एट रणबीर कपूर ना। रणबीर कपूर स्पेशल थिंग। नहीं अच्छी केमिस्ट्री भी अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है। बट यू ऑलरेडी नो दैट ना वायलेंस मूवी है सो आप सिंगल 18+ में जाएंगे, एडल्ट मूवी है सो यू कांट। डायरेक्शन बहुत अच्छा डायरेक्शन। नहीं रणबीर कपूर को 5 out of 5 दूंगा। रणबीर की एक्टिंग बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी मूवी। मतलब आप यू कांट लुक द एच स्टोरी बट अगर आप रणबीर कपूर को देखना चाहते हैं और इतना वायलेंस देखना चाहते हैं तो स्पेशली यू कम फॉर द सी द रणबीर कपूर। बहुत अच्छा एक्चुअली फुल वायलेंस मूवी तो आई थिंक 3 स्टार है। 3 स्टार क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है इतना वायलेंस में मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, बहुत वायलेंस दिखाया आप। बेसिकली यू आर गोइंग टू डू एक्चुअली इस फिल्म को जाओ देखो तो आपको काफ़ी वायलेंस दिखेगा यार, तो इतना कैसे आप स्टोरी को इतने हाई बता सकते। मूवी कैसी लगी आपको? भाई मूवी ठीक ठाक थी, जिस तरह इसका हाइप बनाया था उस लेवल पे तो आधी भी नहीं पहुंची मूवी है। ऐसा है, एक तो लेंथ बहुत लंबी है, लेंथ लंबी है तो फिर बीच में डालो आप बराबर ना है। एंट्री भी अच्छी नहीं दिखाई, एंट्री होती है एक्टर की है, हाँ। और स्टोरी टेलिंग भी खास नहीं है, दिख जाता है क्या होगा क्या होगा। और थर्ड क्या है कि फाइट सीक्वेंस इसमें एक ही ठीक ठाक था इंटरवल में, उससे पहले कोई फाइट सीक्वेंस नहीं था, एंड में कोई फाइट सीक्वेंस नहीं था, तो किस तरह वायलेंट हो। अच्छा लगा भाई रणवीर ने काम तो अच्छा करा है यार, वो काम क्या करे यार। मैं तो राइटर पढ़ाती थी, रश्मिका है उनका भी काम अच्छा है, रणवीर कपूर का काम काफ़ी अच्छा है। एक्शन और डायरेक्शन कैसा था? एक्शन तो उसमें था ही नहीं कि एक तो एक्शन उसमें इंटरवल में और क्या एक्शन है, एक्शन था ही नहीं मूवी में, बीच में एक एक्शन वो एक्शन ही नहीं है। फाइट सीक्वेंस कहाँ जैसे लंबा होता है, 3-3, 4-4 होते हैं, एक ही तो सीक्वेंस था उसमें। सॉन्ग भी खास नहीं थे, मतलब ठीक थे, बोरिंग काफ़ी फील मूवी, ऐसे लव स्टोरी जिस मूवी लग रही थी, वायलेंट मूवी को क्रिएट कर वायलेंस है मैं वायलेंस दिखाऊंगा है रेडी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो है आप, बहुत बोरिंग फील होता है। क्या होगा आप ही बताओ, एक ही शॉट पे आप 8-8 मिनट दे रहे हो, ना एक्सपीरियंस थोड़ा फास्ट होता है, जब मजा आता है ना। ये रणवीर कपूर को कितना हिस्सा देना चाहेंगे आप? भाई रणवीर कपूर को तो 5+5 ही दूंगा मैं, उनके एक्टिंग स्किल्स पे तो। मूवी को तो 2 स्टार दूंगा, 5 में 2 स्टार दूंगा। सर कौन सी मूवी देख के? वही एनिमल यानी जानवर, मुझे अक्षय कुमार याद आ गया यार, जो उनकी जानवर आई थी उस समय उनका भी खूंखार रोल था, और जानवर जैसे कि हम सबको विदित था कि जानवर मतलब वायलेंस वाला ही होगा, तो रणबीर कपूर पे मतलब वो डायलॉग सूट रहता है यश की फिल्म का जो था, वायलेंस 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 आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी, तो वायलेंस लाइक रणबीर एक्चुअली।
तो फिल्म में उनकी बाइक पे यार एंट्री होती है, और हर फिल्म में अगर बाइक पे हीरो की एंट्री हो तो वाह वाह क्या बात है। तो बड़ा मज़ा आया मतलब फिल्म के अंदर में, और उसके बाद से फिर हम लोग है ना फिल्म सारा थिएटर ही साइलेंट होकर फिल्म देख रहा था, क्योंकि एक एक डायलॉग बहुत ही अच्छे थे। खासकर मैंने माता पिता फैमिली में से पापा के साथ का कनेक्शन बहुत अच्छा दिखाया। मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करता हूँ, और अगर आप की तरफ कोई आँख उठाएगा तो साला हम भी उसकी आँखें छीन लेंगे, खून हम खून कर देंगे। तो वो ये डायलॉग था, अगर फिल्म में देखेंगे ना का मतलब मालूम पड़ जाएगा कि वो किस चीज़ के लिए है। ज़्यादातर लोग बोल रहे थे ट्रेलर के समय कि रश्मिका की हिंदी सही नहीं, अरे भाई उनको रोल ही साउथ इंडियन टाइप का दिया है, वो साउथ इंडियन गर्ल ही बताया है उसमें, तो कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, अपने इमोशंस को अपने एक्टिंग स्किल्स को उन्होंने इम्प्रूव किया। आप अगर देखेंगे करवा चौथ वाला एक सीन है उसके अंदर में जिसमें रणबीर कपूर पर भारी पड़ती हैं वो। और किसका काम अच्छा लगा? अनिल कपूर है। अनिल कपूर थोड़े से मुझे कम लगे यार। अगर आपने अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार की बाप बेटे के रिश्ते पर वक्त देखी है तो उसमें बाप बेटे के दोनों के इमोशंस आपको झकझोर देते हैं, लेकिन इस फिल्म में ना रणबीर कपूर का रोल जितना पावरफुल था उतना मुझे पिता का कैरेक्टर थोड़ा कम लगा। काश वो भी थोड़ा हो पाता, रणबीर कपूर की जगह अनिल कपूर जी की जगह कोई और भी होता तो भी चलता, क्योंकि वो अनिल कपूर जैसा चार्म जो था वो दिखा नहीं फिल्म के अंदर में, तो मैं थोड़ा सा उनकी तरफ से थोड़ा सा निराश हूँ। अरे सस्पेंस में बोलना भी नहीं चाहूँगा यार, ना किसी से पूछना, क्योंकि सब लोग थिएटर में आए वही ज़्यादा अच्छा है। लास्ट का सस्पेंस सबसे अच्छा है, देखेंगे हम लोग ही सस्पेंस रखे कि यार कौन आ रहा है कौन आ रहा है। एक्चुअली यार पूरा वसूल है, 3-3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन एक सेकंड भी आपको बोर नहीं करेगी। डायरेक्शन थोड़ा लचर था, मतलब उतना हाइप नहीं था, अदरवाइज हम सब हो हल्ला करते, हुटिंग बहुत ज़्यादा करते, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट फिर भी ठीक है, फिल्म कहीं आपको बोर नहीं करती है, ये डायरेक्शन का सबसे प्लस पॉइंट है। मैं 5 में से 5 दूंगा रणबीर कपूर की वजह से, और फिर से एक बार देखना मूवी को 5 में से 5 इसी वजह से दूंगा सर। थैंक यू सर। सर मूवी देखिए एनिमल मूवी फुल। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे छोड़ना नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर फाड़ू था मूवी उतना ही फाड़ू है, ठीक है। और स्टार्ट टू एंड रणवीर कपूर का स्टार्ट टू एंड फुल्ली सेम कैरेक्टर, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि लो है अप है डाउन है, कंटिन्यूसली उन्होंने सेम कैरेक्टर निभाया। और बॉबी देओल का तो आई थिंक आधे से मतलब स्टार्ट एंड में उनका कैरेक्टर बताया गया, अगर थोड़ा और पहले से बताते तो उनको और जान सकते थे विलन के कैरेक्टर में, बट उनका स्टार्ट एंड में था तो इतना कुछ परफॉर्मेंस उनका पावरफुल नहीं लगा। सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे रणवीर कपूर का ही लगा है। और उस एंट्री फाड़ू एंट्री, जो उनका लुक जो है ना पावरफुल था, पावरफुल लुक उनका, लॉन्ग हेयर सबसे फाड़ू था। उनका केमिस्ट्री तो लाजवाब जो होता है ना लाइफ पार्टनर में, कि एक दूसरे के साथ कितना जुड़े रहते हैं सेम कि। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर उनका प्यार निभाने का ये है ना तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पापा के साथ, और होता है ना कि पापा बेटा का जो कैरेक्टर इसमें बताया गया है कि पापा इतना बेटे को नहीं जान पाते जितना बेटा पापा को जानता है, और उनके लिए तो दुनिया भी जला सकता है, तो इसलिए उनका कैरेक्टर तो फैबुलस। बॉबी देओल भी है, रश्मिका भी है। बॉबी रश्मिका के कैरेक्टर तो जिस तरीके से उन्होंने वाइफ का कैरेक्टर निभाया फैबुलस है, बट बॉबी देओल का कैरेक्टर मुझे कहीं लो लगा है। अगर वो पहले मतलब आधे मतलब इंटरवल के बाद अगर उनका कैरेक्टर बता देना तो, और उनको जान पाते थे ठीक है, तो उनका आधे में से शुरू हुआ तो मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा, बट उनका था 100% था। सॉन्ग तो आप देख ही चुके कि मतलब जवाब ही नहीं है। डायरेक्शन फैबुलस। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोगों ने इस मूवी बनाने में ये लगाया, उन्होंने हर किसी ने स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर से लेके जितने भी टीम है सबने 100% दिया है, इसलिए 100% मूवी भी बना है। कितना स्टार दे रहे हो? मैं तो 100 देना चाहूँगा, बट
बेसिकली 5 देना पड़ता है, तो 5 देना चाहूँगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.